सरस्वती क्लासेस बिनावली में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, हम क्लास एट की यूनिट वन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यूनिट दो पे विचार करेंगे, जिसके अंदर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, लीनियर वो होती है जिसकी पावर वन हो। क्या हो? पावर वन। इक्वेशन का मतलब जिसके अंदर इक्वल टू का साइन हो। इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल का मतलब यानी एक ही वेरिएबल होगा, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, यू वी, यानी एक ही वेरिएबल में पूरी इक्वेशन होगी। जैसे जनरली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम ऐसे लिख देते हैं, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, यह आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। यहाँ पर ये वेरिएबल होगा, यानी एक्स इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन होगा तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। यानी ऐसी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर वन हो, इक्वल टू का साइन हो और एक ही वेरिएबल हो, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं, जिसे हम आज सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे ये इसमें बताया गया है, द वेरिएबल है वो एक्स होगा, इक्वलिटी का साइन होगा, ये पूरी इक्वेशन होगी। इसके अंदर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोल देते हैं विद्यार्थियों, ये राइट हैंड साइड होती है। और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ऐसी कोई भी वैल्यू रखे जो रखने पे हमें रिजल्ट 7 दे, वो इसका सॉल्यूशन होता है। जैसे देखिए पहली एक्सरसाइज 2.1 में क्या कहता है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे? जैसे पहला ही सम दिया हुआ है हमें, एक्स माइनस टू इक्वल टू 7। तो हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, जिसका मान निकालना है, यानी जो वेरिएबल दिया है उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सारे दूसरी तरफ। और जब हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो कोई भी नंबर दिया है उसका साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस, गुणा में है तो भाग में होगा और भाग में है तो गुणा होगा, दूसरी साइड जाके। जैसे यहाँ देखिए x इक्वल टू 7 और ये दो यहाँ माइनस का, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 9, यानी इसका सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से दूसरा, जैसे y इक्वल टू 10, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू 7 इसका सॉल्यूशन है। इसी तरह से ये 2 इधर आके माइनस होगा, तो z इक्वल टू 4 इसका सॉल्यूशन होगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, जैसे 4 में दिया है 3/7 प्लस का x बराबर 17/7, तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे 17/7, ये यहाँ प्लस है विद्यार्थियों, इधर जाके माइनस हो जाएगा। जब इसका डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या करते हैं, सेम लिख देते हैं, प्लस होता है तो प्लस और माइनस होता है तो माइनस। 17 में से 3 जाएगा 14/7, यानी 2 आ जाएगा, x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 में x इक्वल टू ये 6 गुणा में, इधर जाके भाग में होगा तो 2 आ जाएगा, यानी x इक्वल टू 2 इसका आंसर होगा। इसी तरह से यहाँ 5 क्या है, डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो t इक्वल टू 5 × 10, यानी 50 हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। 7 यहाँ देखिए, 2x/3 = 18। 2x बराबर सबसे पहले ये ले जाते हैं विद्यार्थियों, यहाँ मल्टीप्लाई में, डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 18 गुणा में 3। फिर यहाँ हम 2 रहता है, इस 2 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया 9, तो x बराबर 27 हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न संख्या 8, 8 में हम क्या करेंगे, जैसे y इक्वल टू निकालेंगे, हम डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 1.6 × 1.5 मल्टीप्लाई कर दो इसको, 15 × 6 = 90, 15 और 9 = 24, 2 के बाद पॉइंट लगेगा यहाँ, यानी y इक्वल टू 2.4 आ जाएगा, पॉइंट के बाद जीरो का कोई काम नहीं। इसी तरह से ये कर लेंगे, 7x = 16, ये 9 इधर जाके ऐड होगा, 7x = 25 आ जाएगा, x बराबर ये गुणा में, इधर जाके डिवाइड में आएगा, ये इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 की बात करें हम, 10 के अंदर क्या दिया हुआ है विद्यार्थियों, देखिए ये दिया हुआ है 14y - 8 = 13। सबसे पहले इस 8 को इधर ले जाते हैं, 14y = 13 प्लस का 8 होगा, 14y = 21 आ जाएगा, y = 21/14, यानी 7 * 21 = 14, तो y = 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न संख्या 11 विद्यार्थियों,
17 प्लस का 6p बराबर 9 हुआ, 6p बराबर 9, ये 17 इधर जाके घटेगा, 6p बराबर 17 में से 9 जाएगा, 8 आएगा, लेकिन बड़ी टर्म का साइन आएगा, बड़ी टर्म माइनस की तो माइनस, पी बराबर माइनस 8/6, तो पी बराबर 2 × 8, 2 × 3 यानी माइनस का 4/3 होगा। लास्ट प्रश्न संख्या 12, 12 में दिया हुआ है x/3 प्लस 1 = 7/15। तो सबसे पहले हम एक को उस साइड ले जाएंगे, 7/15 माइनस 1, x/3 = 15 एलसीएम आएगा, 7 - 15 x/3 - का 8 रह जाएगा, 15, फिर ये यहाँ 3 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 8/15 × 3, 3 × 5 = 15, तो x = -8/5 होगा। इसी के साथ विद्यार्थियों आपकी 2.1 कंप्लीट होती है, जिसे फिर नोटबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।